प्राप्त जानकारी के अनुसार घायलों के परिजनों ने बताया कि सब लोग खेत में कार्य कर रहे थे कि तभी अचानक तेज बारिश होने लगी, तो सब लोग इकट्ठे होकर खेत के पास बनी झोपड़ी में जाकर बैठ गए। तभी अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली खेत में बनी झोपड़ी पर गिर गई और आकाशीय बिजली गिरने से करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों घायल हैं। ऐसी ही घटना की जानकारी जिला पंचायत उपाध्यक्ष को लगी तो तुरंत ही 108 जननी एम्बुलेंस और जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे के निजी वाहन की सहायता से घायलों को उपचार के लिए बटियागढ़ CHC लाया गया, जहां पर BMO डॉक्टर श्रवंत पटेल के द्वारा घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद सुनील आदिवासी नामक एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस मामले की जांच में जुटी। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। विशाल कहाँ से निवासी? सिंहपुर से, ग्राम पंचायत सिंहपुर से। क्या घटना हुई? गाजगिरी सिंहपुर में 7 लोग घायल हैं और 1 खत्म हो गया, और हमने फोन लगाया जिला उपाध्यक्ष जी को, कटारे जी को, उनने अपनी गाड़ियों से उठा के अस्पताल में भर्ती की और इलाज करवाया। मैं क्षेत्र भ्रमण में था तो पता चला कि सिंहपुर में गाज गिर गई है, तो वहाँ से फिर मैं गया और अपने निजी वाहनों से सबके लिए 7 लोगों के ऊपर घटना हुई थी, तो मैं 7 ही लोगों को साथ में लाया और रास्ते में नदी नाले आए थे, तो फिर वहाँ से ट्रैक्टर के माध्यम से लाए। ट्रैक्टर के माध्यम के बाद नाले से लोगों को ले के दूसरे भी ने सहयोग किया, फिर वहाँ से नाला पार किया और यहाँ पर अस्पताल ले आए, जिसमें से एक मृत हो चुका है और 2-3 लोग ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं और एक बच्चा साथ में है, तो उसका भी उपचार चल रहा है। कुल कितने लोग घायल हुए? 7। Subscribe now to most exciting channel ever.